मदनलाल सैनी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। मैडम, सादगी की मिसाल माने जाते थे मदन। अभी अभी थोड़ा सा इसको मेरे को पहले प्रणाम कर लेना। तो अभी आई हैं और अब पार्टी दफ्तर में जा रही हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, क्योंकि वसुंधरा राजे के जब मुख्यमंत्री थी तब से ही मदनलाल सैनी ने पार्टी के बागडोर संभाली थी यहाँ पर, और पार्टी की बागडोर संभालने के दौरान भले ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता की वापसी नहीं हुई थी, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा था, 73 सीट उन्हें मिली थी। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी फायदा हुआ। देखिए, वसुंधरा राजे के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर कई तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिला के बीजेपी दफ्तर में इसी तरह का सबसे बड़े नेता है। मैं बातचीत करता हूँ, केंद्रीय मंत्री हैं ये, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं, तो मैं बातचीत करता हूँ इन्हीं से। ये जीवन पर्यंत पार्टी और संगठन के लिए जीने वाला व्यक्ति यकायक आज हम सबके बीच से चला गया है। विश्वास भी नहीं होता कि थोड़े से दिन पहले हम लोग प्रदेश कार्य समिति में किस तरह से साथ बैठे थे और सारे विषयों पर चर्चा कर रहे थे। निश्चित रूप से हम सब लोग स्तब्ध हैं। सर, इनकी सादगी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बसों में भी बैठ के आ जाते थे पार्टी के कामकाज के लिए, कभी पीछे नहीं रहे। बाद में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये भी पहुंच चुके हैं श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी नेताओं का यहाँ पर आकर श्रद्धासुमन अर्पित करने का सिलसिला लगातार जारी है, और इसके बाद सीकर में मदनलाल सैनी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो कि उनका पैतृक गांव भी है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।